Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Krishi Valley. Hope you all are doing well. So today I am here with very new topic from the book Fundamental of Agriculture, Arun Kathan, Volume 2. And that is Chapter 4, that is Enzymes. So if you have not watched or missed the previous lecture videos, then you can simply visit to the channel playlist and watch them. So aaj ka topic hai enzymes ke bare mein, to shuru karte hain. सबसे पहले हमें देखना है कि एंजाइम का मतलब क्या होता है, ये किस भाषा के वर्ड से डराइव हुआ है, यानी कि इसका जो रूट वर्ड है वो क्या है, और कौन से साइंटिस्ट रहे थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस शब्द को कॉइन करा था. तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा वर्ड है. एंजाइम जो है दो ग्रीक वर्ड से डराइव हुआ है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो ग्रीक वर्ड्स क्या हैं, वो दो ग्रीक वर्ड्स हैं इन प्लस जाइम. इसका मतलब क्या होता है, इन का मतलब होता है इन यानी अंदर, और जाइम का मतलब होता है लिविंग. तो यहाँ से इसके मतलब, इसका जो शब्द है उसी से हमें क्लियर हो रहा है कि एंजाइम्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द लिविंग बींग्स. दो चीज़ होती हैं, लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स. ठीक है, तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें ही एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें एंजाइम्स एब्सेंट होते हैं. ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया. उसके बाद किस साइंटिस्ट ने सबको सबसे पहली बार शब्द को दिया था, दैट इज़ डब्लू कूने. सिंपल कूने भी याद रख सकते हैं. तो कूने एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहली बार इस शब्द को कॉइन करा था. इंपॉर्टेंट लाइन है, द वर्ड एंजाइम वॉज कॉइन बाय कूने इन द ईयर 1878. बहुत पुरानी बात है, उन्होंने ये वर्ड जो था एंजाइम कॉइन करा था. ये जो साइंटिस्ट थे कूने, ये फर्मेंटेशन के ऊपर स्टडी कर रहे थे, और फर्मेंटेशन की स्टडी करते हुए उन्होंने देखा कि जो लिविंग बींग्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ हो रहे थे फर्मेंटेशन में, उनमें से कुछ सब्सटेंस रिलीज आउट हो रहा था, दे आर रिफर्ड एज एंजाइम्स. अब एंजाइम्स का डेफिनेशन क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है. एंजाइम्स में भी डिफाइंड एज की डेफिनेशन ये है कि एंजाइम्स जो होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं विच आर केपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द केमिकल रिएक्शंस इन द लिविंग सिस्टम. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एंजाइम्स होते हैं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, प्लस उसके बाद ये क्या करते हैं, लिविंग जो सिस्टम होता है, सिंपली यू कैन से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, उनके सिस्टम के अंदर उनकी जो केमिकल रिएक्शन चल रही होती है उनको कैटलाइज करने का काम जो करते हैं एंजाइम्स करते हैं. इफ़ यू नो अबाउट कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का क्या रोल होता है, तो अगर हमें केमिस्ट्री थोड़ी बहुत आती है आपको तो पता होगा, जो भी रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन है सिंपल, उन सबको उनका रेट जो होता है थोड़ा स्लो होता है. उनके रेट को फास्ट करने के लिए, केमिकल रिएक्शंस के रेट को बढ़ाने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए, उसको फास्ट करने के लिए वी यूज़ कैटलिस्ट. केमिस्ट्री में हम क्या यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट करते हैं. तो कैटलिस्ट कैसे होते हैं, कैटलिस्ट एक तरह का केमिकल सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान उसकी रेट को, उसकी स्पीड को इन्हांस कर देता है, फास्ट कर देता है, वो होते हैं कैटलिस्ट. एंजाइम्स भी यही काम करते हैं, लेकिन एंजाइम्स में कंडीशन क्या है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो एंजाइम कहलाएगा, अदरवाइज वो कोई एंजाइम नहीं होगा. वो हम इसको फिर सिंपल वर्ड्स में कैटलिस्ट नाम दे सकते हैं, लेकिन एंजाइम्स की खासियत ये है कि वो लिविंग सिस्टम के अंदर प्रेजेंट रह के, मौजूद रह के किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी उस रिएक्शन को कैटलाइज करने का काम कर सकते हैं. तो ये होते हैं एंजाइम्स. उसके बाद किस इंपॉर्टेंट करैक्टर्स होते हैं, क्या क्या एंजाइम्स के करैक्टर्स होते हैं, दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, यानी ये प्रोटीन के बने होते हैं. अभी हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से एंजाइम्स दो पार्ट से बना होता है. एंजाइम्स जो होते हैं बेसिकली प्रोटीन ही होते हैं, प्रोटीन से तैयार होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रोटीन के साथ साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी एसोसिएट रहता है. अभी आगे पढ़ेंगे कि प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं और नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं. सेकेंड इज बायोलॉजिकल एंड ऑर्गेनिक कैटलिस्ट. अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, बायोलॉजिकल क्यों यूज़ करा है, क्योंकि ये लिविंग सिस्टम के अंदर प्रेजेंट हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ वाई वी यूज़ द टर्म बायोलॉजिकल. और ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं, ऑर्गेनिक का मतलब समझते हैं यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होगा. नेक्स्ट पॉइंट है रिक्वायरिंग स्मॉल क्वांटिटी. ये बहुत ही नेसेसरी पॉइंट है कि जो एंजाइम्स होते हैं ये बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में भी अगर मिल जाएँ किसी रिएक्शन में तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो सकता है. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दे आर स्पेसिफिक इन नेचर. यानी कोई भी जो एंजाइम होता है उसमें क्या होता है, अभी हम इसका मैकेनिज्म स्टडी करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि एंजाइम्स क्या करते हैं, ये बाइंड करते हैं सबस्ट्रेट के साथ, और सबस्ट्रेट के साथ जब बाइंड हो जाते हैं तो उनकी रिएक्शन होगी, उसके बाद लास्ट में उनको मिलता है प्रोडक्ट. यही होता है सिंपल कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है. तो एंजाइम्स जो होते हैं वो अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के संग ही बाइंड कर पाते हैं. इसी का मतलब है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो नेचर उनका
स्पेसिफिक होते हैं। और इंजन की खास बात ये होती है कि किसी भी रिएक्शन में जब वो इन्वॉल्व हो जाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन को ये क्या करते हैं, इनका रेट ऑफ रिएक्शन का इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम सेट होता है कि कितना रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट बनाएगा, तो उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है, उस इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करते। और एंजाइम्स क्या करते हैं, अपना जो काम है वो करते रहते हैं, बट इक्विलिब्रियम इफेक्ट नहीं होने देते। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइम्स में, एंजाइम्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, बनावट के आधार पर हम एंजाइम्स को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, सिंपल प्रोटीन एंजाइम्स, सेकेंड है हमारा कॉन्जुगेट एंजाइम्स। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीनेशियस इन नेचर, एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, यानी प्रोटीन के बने होते हैं। अब जो सिंपल प्रोटीन एंजाइम्स हैं ये पूरा इस बात को एग्री करते हैं, फॉलो करते हैं कि यस एंजाइम्स जो हैं वो सिर्फ प्रोटीन के ही बने हैं, होली मेड अप ऑफ प्रोटीन। होली मेड ऑफ प्रोटीन का मतलब कम्प्लीटली प्रोटीन ही यहाँ पे इन्वॉल्व है और कोई कंपोनेंट यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पे कौन कौन से एग्जांपल्स हैं सिंपल प्रोटीन में, यहाँ पे आता है हमारा ट्रिप्सिन, पैप्सिन, अमाइलेज, यूरिएज। ये जो स्टार्टिंग के एंजाइम्स हैं ट्रिप्सिन, पैप्सिन, यूरिएज, अमाइलेज, यूरिएज, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। इफ़ यू नो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तो आपने इन एंजाइम्स के बारे में वहाँ पे पढ़ा होगा, ट्रिप्सिन, पैप्सिन, अमाइलेज। ओके, यूरिएज बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ठीक है। तो ये जितने भी एंजाइम्स हैं ये सिर्फ प्रोटीन के बने हैं, इसमें और कोई कंपोनेंट मौजूद नहीं है, ये सिर्फ प्रोटीन के बने हैं, दैट इज़ व्हाई दे आर क्लासिफाइड अंडर सिंपल प्रोटीन एंजाइम्स। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी आती है एंजाइम की, दैट इज़ कॉन्जुगेट एंजाइम। कॉन्जुगेट एंजाइम को समझने से पहले हमको समझना होगा प्रोटीन्स के कुछ एंजाइम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। जैसे कि हम सबको पता है कि एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सिर्फ प्रोटीन अगर प्रेजेंट है तो वो हमारा सिंपल प्रोटीन एंजाइम कहलाएगा, लेकिन अगर प्रोटीन के संग कुछ और कंपोनेंट प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल हमारे जो एंजाइम है ये दो पार्ट से बना है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं कि प्रोटीन का होता है, पहला पार्ट जो है प्रोटीन पार्ट होता है, विच इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली, ठीक है। इस पार्ट को हम बोलते हैं एपो एंजाइम, एपो एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट जो नंबर टू है, सेकंड पार्ट जो है वो नॉन प्रोटीन है, मतलब प्रोटीन उसमें नहीं है। नॉन प्रोटीन का मतलब तो यही हुआ, पहला पार्ट में प्रोटीन था, ओके, उसको हमने एपो एंजाइम नाम दिया है। सेकंड पार्ट जो है वो नॉन प्रोटीन है, उसमें प्रोटीन मौजूद नहीं है, इस वाले पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं कोफैक्टर, इट इज़ रिफर्ड एज कोफैक्टर। तो ये जो दोनों के पार्ट्स होते हैं ये कॉन्जुगेट एंजाइम में प्रेजेंट होते हैं, यानी जो कॉन्जुगेट एंजाइम है उसमें एपो एंजाइम यानी प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट है और कोफैक्टर यानी नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट है। इन दोनों के मिलन से बनता है हमारे कॉन्जुगेट एंजाइम। तो डिफरेंस अगर करने को आता है कि सिंपल प्रोटीन एंजाइम और कॉन्जुगेट प्रोटीन कॉन्जुगेट एंजाइम में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, तो आप सिंपल बता सकते हैं कि सिंपल प्रोटीन एंजाइम सिर्फ प्रोटीन पार्ट का बने होते हैं जिनको हम बोलते हैं एपो एंजाइम, जबकि कॉन्जुगेट एंजाइम्स वो होते हैं जहाँ पे प्रोटीन के साथ यानी एपो एंजाइम तो होता ही है, प्लस यहाँ पे नॉन प्रोटीन वाला पार्ट यानी कोफैक्टर जिसको कहते हैं वो भी प्रेजेंट होता है, यानी एपो एंजाइम और कोफैक्टर दोनों यहाँ पे साथ में रहते हैं। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जब एपो एंजाइम और कोफैक्टर साथ में रहते हैं इस कंडीशन को, या फिर इस जो ये होता है यानी एपो एंजाइम कोफैक्टर के साथ रहता है, इसको हम नाम बोलते हैं होलो एंजाइम, होलो एंजाइम। होलो मीन्स होता है कंप्लीट, जब एंजाइम पूरा होता है अपने आप में पूर्ण होता है यानी कंप्लीट होता है, यानी इसमें प्रोटीन वाला हिस्सा भी है और नॉन प्रोटीन वाला हिस्सा भी है, यानी एपो एंजाइम भी होगा और कोफैक्टर भी प्रेजेंट होगा, इसको बोलेंगे होलो एंजाइम, यानी कॉन्जुगेट एंजाइम इतना का होलो एंजाइम है, कंप्लीट है। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन आते हैं यहाँ पे, तो एग्जाम्पल्स देखते हैं, पर उससे पहले हम समझते हैं कि जो हमने पढ़ा था कोफैक्टर, कोफैक्टर के भी तीन पार्ट्स होते हैं। अभी हमने पढ़ा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है कोफैक्टर, कोफैक्टर एक्चुअल में नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, इसके तीन पार्ट्स होते हैं, यानी कोफैक्टर के तौर पे हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे समझते हैं कि कोफैक्टर में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो कोफैक्टर तीन होते हैं, कोफैक्टर में हमारा आता है पहला को एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसका को एंजाइम, नाम में तो उसका एंजाइम आ रहा है लेकिन क्या ये एंजाइम का पार्ट है। बहुत बार क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि क्या को एंजाइम प्रोटीन है, तो योर आंसर इज़ नो, कोएंजाइम कोई प्रोटीन नहीं है, इट इज़ नॉन प्रोटीन कंपोनेंट, ठीक है। हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोटीन
जो इंजाइम होते हैं वो प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं और यहाँ पे नाम है को इंजाइम। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंजाइम प्रोटीनेशियस होते हैं तो को इंजाइम भी प्रोटीनेशियस होता होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। को इंजाइम क्योंकि कोफैक्टर का पार्ट है और कोफैक्टर को हम नॉन प्रोटीन कंपोनेंट में कंसिडर करते हैं, दैट इज़ वाई को इंजाइम इज नॉन प्रोटीन कंपोनेंट। ठीक है, तो कोफैक्टर का पहला टाइप हो गया को इंजाइम, जिसमें हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, NAD बहुत इंपॉर्टेंट जो हम रेस्पिरेशन में पढ़ते आ रहे थे, ठीक है, NADP फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था, CoA ये भी हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था, ATP, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पीछे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में ऑलरेडी कवर करी हैं। तो ये सारे के सारे तरह का को इंजाइम की तरह काम करते हैं। और को इंजाइम में क्या होता है कि अगर ये क्योंकि ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, सपोज ये हमारा प्रोटीन पार्ट है और उसके संग अगर को फैक्टर के तौर पे को इंजाइम अटैच्ड है तो ये को इंजाइम आसानी से इससे डिटैच हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, इट इज ईजिली सेपरेबल फ्रॉम द एपो इंजाइम। एपो इंजाइम का मतलब जो प्रोटीन वाला पार्ट है। तो ये को फैक्टर का पहला टाइप हो गया। को फैक्टर का दूसरा टाइप हमारे पास है, दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप भी जो होते हैं ये हमारे प्रोटीन वाले पार्ट से थोड़े से फर्मली अडेयर होते हैं, यानी अटैच्ड होते हैं। इसमें हमारा एक ही एग्जाम्पल आता है, दैट इज़ FAD, और ये भी हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था FAD के बारे में, ठीक है। तो याद रखना NAD हमारा कोएंजाइम है और FAD हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप में आता है। तीसरा जो हमारा पार्ट है को फैक्टर का, वो है हमारे मेटल एक्टिवेटर। इसके एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, मेटल्स के नाम याद रखना है आपको, Fe2 पॉजिटिव, आयरन, ठीक है, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब हमारे जो होते हैं मेटल एक्टिवेटर टाइप का कोफैक्टर होता है। जैसे साइटोक्रोम में हमने पढ़ा था आयरन जो होता है साइटोक्रोम में हमने देखा था, तो साइटोक्रोम में जो आयरन है वो कितना का कोफैक्टर है। कोफैक्टर का मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा कॉन्जुगेट इंजाइम क्या होते हैं, तो याद रखना कॉन्जुगेट इंजाइम में पूरा का पूरा प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट है। प्रोटीन पार्ट को एपो इंजाइम बोलते हैं, नॉन प्रोटीन को कोफैक्टर बोलते हैं। कोफैक्टर भी तीन टाइप्स होते हैं, कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक और मेटल एक्टिवेटर। और जब एपो इंजाइम और कोफैक्टर दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, दैट कंडीशन इज नोन एज हॉलो इंजाइम। हॉलो इंजाइम के बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं है, यू कैन नोट डाउन हॉलो इंजाइम क्या होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इज आइसो इंजाइम। आइसो इंजाइम क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम या फिर एक जैसा, सिमिलर, एक जैसा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे याद रखना है फंक्शन, सेम क्या है, फंक्शन सेम है। यानी ऐसे दो इंजाइम जिनका फंक्शन सेम होता है या फिर सिर्फ कह सकते हैं कि इनका स्ट्रक्चर अलग होता है लेकिन फंक्शन सेम होता है, वो होते हैं आइसो इंजाइम। एग्जाम्पल यहाँ पे है LDH यानी लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज। ये एसिड हमने कहाँ पढ़ा था, ये जो हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे सेल रेस्पिरेशन, तब हमने पढ़ा था लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज के बारे में। ये लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज सिंपली क्या करता है, रेस्पिरेशन के दौरान जो ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट कर देता है पाइरूवेट में। तो इस टाइम यहाँ पे यूज़ होता है लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। ये जनरली लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज यूज़ होता है सेल रेस्पिरेशन के दौरान, जनरली एनरोबिक रेस्पिरेशन में यूज़ होता है। तो ये हमारा एग्जांपल है आइसो इंजाइम का। पहला क्लासिफिकेशन पूरा हो गया है, अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट प्रेजेंट है या नहीं, उसके हिसाब से दो तरह के इंजाइम है, इंड्यूसिबल और नॉन इंड्यूसिबल। इंड्यूसिबल नॉन इंड्यूसिबल में फ़र्क सिर्फ सबस्ट्रेट का होता है और किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं है। इंड्यूसिबल एंजाइम्स वो होते हैं जो हमेशा प्रेजेंट होंगे सबस्ट्रेट के साथ, नॉट अकर इन एब्सेंस ऑफ सबस्ट्रेट। यानी अगर सबस्ट्रेट एब्सेंट है, मौजूद नहीं है, तो इंड्यूसिबल एंजाइम भी एब्सेंट होगा। यानी कहने का मतलब सिंपल ये है, कंक्लूड कर सकते हैं कि इंड्यूसिबल एंजाइम होते हैं वो हमेशा सबस्ट्रेट के साथ में ही मौजूद होंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा नाइट्रेट रिडक्टेज। नाइट्रेट रिडक्टेज कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जितने हमारे लेग्यूमिनस क्रॉप्स होते हैं, पल्सेस होती हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वहाँ पे नोड्यूल प्रेजेंट होते हैं। उन नोड्यूल्स में पाया जाता है नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम, जो सिंपल एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करता है और उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिस जो प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं ईजिली। तो ये सारा काम नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम की द्वारा होता है, जो कि हमारा एक इंड्यूसिबल एंजाइम है। यानी नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम तभी वर्क करेगा जब सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा, अगर सबस्ट्रेट नहीं तो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं। नेक्स्ट कैटेगरी जो है, नेक्स्ट टाइप है, दैट नॉन इंड्यूसिबल एंजाइम। ये एंजाइम हमेशा प्रेजेंट होगा, ये नहीं देखता कि सबस्ट्रेट है या नहीं है।
सबस्ट्रेट की प्रेजेंस और एब्सेंस से यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इंजाइम्स हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। मोस्टली जितने भी इंजाइम्स होते हैं वो हमारे नॉन इंड्यूसिबल होते हैं, और इंड्यूसिबल में हमारा नाइट्रो रिडक्टेज आता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन, इंजाइम किस तरह से वर्क करता है। कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होती है तो वहाँ पे क्या होता है, जो इंजाइम्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं सबस्ट्रेट के साथ, और जब इंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों कंबाइन होते हैं तो रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से बनता है इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाता है, उसके बाद इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद क्या होता है, इंजाइम अलग हो जाता है और बन जाता है हमारा पी, यानी प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। ये सिंपल मोड ऑफ एक्शन होता है। लेकिन जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तैयार होता है तो उसमें दो थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साइंटिस्ट ने दो थ्योरी दी हैं जब भी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तैयार होता है। फर्स्ट है हमारी लॉक इन की थ्योरी, ठीक है, दूसरी हमारी इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। पहले हम समझते हैं लॉक इन की थ्योरी क्या होती है। लॉक इन की थ्योरी को सबसे पहली बार जो दिया था कि साइंटिस्ट ने था, ये इंपॉर्टेंट है, फिशर नाम के साइंटिस्ट हैं इन्होंने 1894, बहुत पुरानी बात है, तो लॉक इन की थ्योरी फिशर ने 1894 में दी थी। लॉक इन की में क्या होता है, सिंपली जो इंजाइम्स होते हैं और जो सबस्ट्रेट होते हैं वो बिल्कुल, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से कंपोज होता है कि जैसे जैसे जस्ट लाइक जो लॉक में हम की इंसर्ट कर देते हैं, जस्ट लाइक वो फिट हो जाती है उसमें, और जो लॉक है फिर वो अनलॉक हो जाता है जब की को मूव करने से। तो यहाँ पे भी क्या होता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर एकदम मैच होता है और वो आपस में कंबाइन होकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण एंजाइम्स अपना जो रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट तैयार हो चुके निकल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे लॉक इन की थ्योरी में कुछ काम होता है। दूसरा जो थ्योरी है इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस, जो कि दूसरे साइंटिस्ट हैं कोई कोशलन नाम के, उन्होंने दी थी 1959 में, ये जो थ्योरी थी इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस की इन्होंने दी थी। इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस में क्या होता है, जो एंजाइम और सबस्ट्रेट होते हैं ये जब आपस में कंबाइन होते हैं, एंजाइम्स और सबस्ट्रेट कंबाइन होकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब तैयार करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स के दौरान क्या होता है कि एंजाइम्स जो होते हैं, इस दौरान क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर में चेंजेस हो जाते हैं, एंजाइम्स क्या करते हैं कुछ स्ट्रक्चर में चेंजेस कर देता है ताकि सबस्ट्रेट उसमें एकदम फिट हो जाए। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, सबस्ट्रेट का जो साइज होता है, जो पार्ट अटैच होने वाला होता है एंजाइम से, वो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफर होता है और एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा वेरी करता है। लेकिन जब एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ द सबस्ट्रेट टू द एंजाइम ब्रिंग्स अबाउट अ थ्री डायमेंशनल चेंजेस इन द एंजाइम। एंजाइम में अपने एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है तो एंजाइम अपने स्ट्रक्चर में, अपनी बनावट में कुछ हल्का सा मॉडिफिकेशन कर देता है, अपनी जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर था उसको थोड़ा सा चेंज करेगा ताकि सबस्ट्रेट को जगह मिल जाए और सबस्ट्रेट अपना काम आसानी से कर सके। तो ये थी हमारी इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। तो ये दो थ्योरी जो थी ये रिलेट करती है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ। अब हम देखते हैं एंजाइम्स के जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट क्लासेस में ये क्लासिफाई करते हैं। तो टोटल यहाँ पे 6 ग्रुप्स हैं, और यू कैन सिंपली से दैट दे आर 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम। तो ये 6 क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वन बाय वन सबको कवर करते हैं। फर्स्ट हमारा आता है ट्रांसफिरेज। ट्रांसफिरेज ग्रुप के जो एंजाइम होते हैं ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन इनके नाम से ही क्लियर हो रहा है, ट्रांसफिरेज यानी ट्रांसफ़र करना। सच एंजाइम कैटलाइज द ट्रांसफ़र ऑफ वन कार्बन ग्रुप टू अनदर मॉलिक्यूल्स। यानी यहाँ पे क्या होता है, एक कार्बन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे मॉलिक्यूल्स में, दैट इज़ वाइट इसका नाम ही है ट्रांसफिरेज, ट्रांसफ़र कर रहा है चीज़ों को। ट्रांसफिरेज में हमारे जो एंजाइम्स आते हैं, दैट इज़ वन इंपॉर्टेंट एंजाइम हेक्सोकाइनेज, ये हमने पढ़ा था जब हम पढ़े थे ग्लाइकोलिसिस, जब हमने रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था। दैन ट्रांस अमीनेज, ये दो एंजाइम ऐसे हैं जो क्या करते हैं, कार्बन ग्रुप का ट्रांसफ़र करने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में। तो रिमेंबर दिस, हेक्सोकाइनेज ट्रांस अमीनेज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांस अमीनेज ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप हमारा है हाइड्रोलिसिस। ओके, हाइड्रोलिसिस क्या होते हैं, सच एंजाइम कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड, नाम से क्लियर है हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या होगा, वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है, वाटर यानी H2O, जब वाटर मॉलिक्यूल किसी रिएक्शन में आ जाता है, मौजूद होता है, तो वहाँ पे होती है हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो ये हाइड्रोलिसिस के दौरान वहाँ पे वाटर के साथ एक एंजाइम भी प्रेजेंट होता है, दे आर रिफर्ड एज हाइड्रोलिस एंजाइम। ओके, हाइड्रोलिस एंजाइम के बेस्ट एग्जाम्पल्स हमारे पास आते हैं इन्वर्टेज, अमाइलेज, एस्टरेज, फॉस्फेट, ये सारे एंजाइम जो हैं सब हमारे हाइड्रोलिस एंजाइम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है ऑक्सीडो रिडक्टेज की, थर्ड वन इज ऑक्सीडो रिडक्टेज।
ऑक्सीडोरिडक्टेज में फर्दर तीन क्लासिफिकेशन हैं, बट सिंपल हमको ऑक्सीडोरिडक्टेज ही याद रखना है। ऑक्सीडोरिडक्टेज का मतलब होता है कि जब भी कोई ऐसी रिएक्शन हुई जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? दे आर दोज रिएक्शंस इन विच द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली अकर। एक साथ जब ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा उस रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और इस रिएक्शन के दौरान जो इंजाइम यूज़ होते हैं दे आर नोन एज ऑक्सीडोरिडक्टेज इंजाइम। यहाँ पे सबसे फेमस एग्जांपल जो है दैट इज़ डीहाइड्रोजिनेज इंजाइम। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या है ऑक्सीडेज। सबसे पहली कैटेगरी आती है ऑक्सीडोरिडक्टेज में ऑक्सीडेज, सेकेंड है डीहाइड्रोजिनेज एंड द लास्ट वन इज़ रिडक्टेज। ओके, ऑक्सीडेज क्या करते हैं? जो ऑक्सीडेशन का काम करेंगे, सिंपल ये क्या करते हैं ऑक्सीडेशन का काम करेंगे। इसके एग्जांपल्स में आता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और परऑक्सीडेज। नेक्स्ट है डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज डी माने होता है डिलीट करना, हटा देना, और हाइड्रोजिनेज यानी हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे क्या होता है हाइड्रोजन का डिलीट हो जाता है, रिमूव हो जाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन थ्रू ऑक्सीडेशन कंसनट्रेटेड विथ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सिंपल तर याद ध्यान रखो कि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, दैट इज डीहाइड्रोजिनेज। जैसे एग्जाम्पल एल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज इंजाइम होता है जो क्या करता है हाइड्रोजन को रिमूव करने का काम करता है। नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है रिडक्टेज की आती है। रिडक्टेज में क्या होगा? रिडक्शन होता है। रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन गेन होता है। जैसे ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन गेन होता है, रिडक्शन में हाइड्रोजन गेन होता है। यहाँ पे क्या होता है एडिशन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो जाता है। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल आता है नाइट्रिल रिडक्टेज। ये नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है फोर्थ वन इज दैट इज लाइसिस। लाइसिस जो ग्रुप है एंजाइम का ये क्या काम करते हैं? दीज एंजाइम कॉज द रिमूवल ऑफ अ ग्रुप ऑफ एटम्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट एंड कॉज एडिशन ऑफ सेकेंड ग्रुप एट दिस डबल बॉन्ड विदाउट अफेक्टिंग द हाइड्रोलिसिस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यानी लाइसिस कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अफेक्ट नहीं करते, और ये सिंपल क्या करते हैं कुछ एटम्स को रिमूव करके कहीं पर कनेक्ट कर देते हैं और वहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। रिमेंबर दिस डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है कि वहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑक्सीजन रिडक्शन को कोई अफेक्ट नहीं हुआ है। इस तरह के एंजाइम्स हमारे कहलाते हैं लाइसिस, मींस एंजाइम दैट कॉज रिमूवल ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स। बहुत सारे ग्रुप ऑफ एटम्स का रिमूवल हो गया, कहाँ से रिमूव हो रहा है? सबस्ट्रेट से। एक सबस्ट्रेट होता है और एक होता है एंजाइम्स, तो वो एंजाइम जो सबस्ट्रेट से बहुत सारे एटम्स को रिमूव कर देंगे एंड कॉज एडिशन ऑफ सेकेंड ग्रुप, किसी दूसरे ग्रुप को वहाँ पे ऐड कर देंगे विद डबल बॉन्ड। इस तरह के एंजाइम कहलाते हैं लाइसिस। एग्जांपल यहाँ पे हमारे लाइसिस में आते हैं फ्यूमरेज एडोलेज। ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे लाइसिस के। नेक्स्ट जो आता है हमारा आइसोमरेज। आइसोमरेज में क्या होता है? दीज एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइसोमेरिक चेंजेस थ्रू द रीअरेंजमेंट। यहाँ पे आइसोमेरिक चेंजेस होते हैं। आइसोमेरिक चेंजेस का मतलब यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड कि जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड आइसोमरेज एंजाइम्स। तो आइसोमरेज एंजाइम्स में हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है आइसोमरेज का दैट इज़ फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज। तो ये एंजाइम कहाँ पे यूज़ होता है? ये भी अगेन हमारा ग्लाइकोलाइसिस में यूज़ होता है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम का ही फॉर्म है एक तरह से। जैसे हेक्सोकाइनेज क्या करता है? ग्लूकोज का फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर रहा था, एंड यू ऑल नो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो फॉर्मूला है दैट इज़ सेम, दैट इज़ C6H12O6 ग्लूकोज, और फ्रक्टोज भी यही होता है C6H12O6। बट डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पे कीटोन ग्रुप है और फ्रक्टोज में ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है और फ्रक्टोज में हमारा प्रेजेंट होता है कीटोन ग्रुप। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है, दैट इज़ ड्यू टू द आइसोमरेज एंजाइम, दैट इज एग्जांपल इज फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। और लास्ट कैटेगरी जो हमारी एंजाइम की बनती है दैट इज लाइगेजेस। लाइगेजेस का एक नाम और है सिंथेटेज। सिंथेटेज एंजाइम क्या होता है? लाइगेजेस क्या करते हैं? दी चीज़ों को कनेक्ट करने का काम करते हैं। एंजाइम द सिंथेसाइज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, यानी जो डिफरेंट टाइप्स की बॉन्ड्स क्रिएट करेंगे, ये हमारा सबस्ट्रेट हो गया, ये एंजाइम हो गया, इन जब आपस में कनेक्ट हो गए, इनके साथ
अलग अलग टाइप्स के बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से दोनों कंपाउंड एक दूसरे कनेक्ट करेंगे। इस तरह के जो एंजाइम कहलाते हैं दैट इज लाइगेसिस या फिर सिंथेटेज। इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं हमारे पॉलीमरेज, आरएनए, सिंथेटेज। ओके, इफ़ यू रिवाइज दिस वन और टू टाइम देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स। तो ये हमारी जो कैटेगरीज थी वो कंप्लीट हो गया, एंजाइम का मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया। एंजाइम का मैकेनिज्म आपको याद रखना होगा कि एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। वहाँ पे दो थ्योरीज आती हैं, लॉकिन की थ्योरी जो कि फिशर ने 1894 में दी थी, दैन इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस जो कि कोशलैंड ने 1959 में दी थी। और जो इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस वाली जो थ्योरी है ये ज़्यादा ज़्यादा मतलब एप्लीकेबल है, मतलब लॉकिन की थ्योरी इतनी ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, बट इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस वाली जो थ्योरी है बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है और यही ज़्यादातर देखी गई है कि एंजाइम जो होते हैं वो इसी हाइपोथेसिस के थ्रू अपना वर्क करते हैं। अब हमको थोड़ा सा यहाँ पे एंजाइम्स के और थोड़ी डिटेल पॉइंट्स देखने कि एंजाइम्स का क्या नेचर है, कैसी प्रॉपर्टीज़ है। जो प्रॉपर्टीज़ मैंने पहले पढ़ी थी कुछ तो वही है, जैसे कि एंजाइम्स का नेचर कैसा होता है, स्पेसिफिक होता है, ये किसी भी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के संग बाइंड होकर रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। एंजाइम्स का नेचर जो होता है कोलाइडल टाइप का होता है। एंजाइम्स जो होते हैं कोलाइडल टाइप्स के होते हैं। कोलाइडल टाइप्स का मतलब बहुत छोटे बारीक बारीक होते हैं ताकि इनका सरफेस एरिया बढ़ जाए। सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा एरिया में हो सकता है। उसके बाद हमने देखा कि एंजाइम्स, हमने देखा कि प्रोटीन के बने होते हैं उनको बोलते हैं एपो एंजाइम, और अगर नॉन प्रोटीन के बनेंगे उसको बोलेंगे हम कोफैक्टर। अब बहुत सारे लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोटीन वाले पार्ट का क्या नाम है और नॉन प्रोटीन वाले पार्ट का क्या नाम है। तो जो प्रोटीन पार्ट होता है, देखो प्रोटीन की स्पेलिंग स्टार्ट होती है पी से, पी आर ओ टी एन प्रोटीन, और एपो एंजाइम में भी पी आ रहा है, तो ये पी जो छिपा है यहाँ पे दैट इज़ उसको आप कनेक्ट कर लो पी यानी प्रोटीन। ठीक है, तो एपो एंजाइम में पी आ रहा है तो पी वाला पार्ट जो है वो प्रोटीन वाला पार्ट है। ठीक है, तो प्रोटीन वाले पार्ट को हम बोलते हैं एपो एंजाइम, जबकि दूसरा जो पार्ट होता है जो नॉन प्रोटीन होता है उसको हम बोलते हैं कोफैक्टर। ठीक है, तो कोफैक्टर और एपो एंजाइम से मिलके जो एंजाइम बने होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट एंजाइम। और जब एपो एंजाइम कोफैक्टर साथ में कंबाइन होता है इसी को अगर हम एंजाइम के टर्म्स में बोलते हैं तो हम इसको बोलेंगे होलो एंजाइम। ठीक है, कोफैक्टर अभी हमने देखा था नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, इसमें कोएंजाइम भी इसमें ही आता है। ठीक है, तो डोंट कंफ्यूज कि कोएंजाइम प्रोटीन पार्ट है या नहीं है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ दे आर रिक्वायरिंग एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट। ये हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था कि जो एंजाइम होते हैं बहुत थोड़ी सी अमाउंट में भी मौजूद हो जाएँ तो रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाती है, इसलिए हम इनको बहुत ही स्मॉल क्वान्टिटी में ऐड करते हैं। नेक्स्ट है रिमेन अनअफेक्टेड इन द रिएक्शन। रिमेन अनअफेक्टेड इन द रिएक्शन का मतलब ये होता है कि एंजाइम आया, सबस्ट्रेट के संग कंबाइन हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ, उसके बाद एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग हो गया, यानी ये एंजाइम अलग हो जाता है, यानी इसका कोई इफेक्ट नहीं होता कि सबस्ट्रेट कंबाइन होगा तो उसका कुछ हो जाएगा, यूज हो जाएगा, दोबारा नहीं आ पाएगा, तो ये रिमेन अनअफेक्टेड होता है। नेक्स्ट ये है कि ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं, पीएच रेगुलेट करते हैं। पीएच रेगुलेट से मतलब है कि ये प्रॉपरली एक स्पेसिफिक पीएच पे ही वर्क करते हैं। मोस्टली जो आपने देखा होगा कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एंजाइम होते हैं, यू ऑल नो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे जो स्टमक होते हैं वहाँ पे बहुत ही हार्श एसिड प्रोडक्ट, हार्श एसिड का प्रोडक्शन होता है दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, उस टाइम पे भी हमारे एंजाइम्स जो होते हैं वो बन रहे होते हैं, वो एंजाइम क्या करते हैं इस एसिडिक पीएच की रेंज में भी अपने आप को स्टेबल रख के काम कर पाते हैं। वहीं कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो बहुत ही हाई पीएच, जो एल्कलीन वाला पीएच होता है, बेसिक पीएच, वहाँ पे वर्क करते हैं। तो इस तरह से जो एंजाइम्स हैं वो पीएच को भी रेगुलेट कर सकते हैं। और एम्फोटेरिक होते हैं, एम्फोटेरिक का मतलब ये एसिड और बेस दोनों के संग रिएक्शन कर सकते हैं। थर्मोलेबाइल होते हैं, थर्मोलेबाइल का मतलब कि क्या होता है, हीट के लिए सेंसिटिव होते हैं। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया, गर्मी हो गई तो अलग टाइप के एंजाइम काम करेंगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो गया, ठंडा हो गया, कूल हो गया, तो अलग टाइप के एंजाइम्स जो हैं वो वर्क करते हैं। नेक्स्ट है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ आर कैन बी इनहिबिटेड। कैन बी इनहिबिटेड का मतलब रोक सकते हैं। ठीक है, एंजाइम्स की जो एक्टिविटीज़ होती है उनको रोकने के लिए जनरली हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं एंजाइम इनहिबिटर। नाम से समझ में आ रहा है इनहिबिटर यानी जो रोक दे, एंजाइम को काम करने से रोकने वाली जो चीज़ होगी दैट इज़ कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर। एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज़ द एंजाइमेटिक रिएक्शन आर रिवर्सिबल। रिवर्स यानी जैसे केमिकल रिएक्शन होती है ना कोई भी, जैसे हमारी ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। अभी तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने के बाद HCl बन रहा है, लेकिन एंजाइम की रिएक्शंस को हम रिवर्स कर सकते हैं कुछ कंडीशंस में, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये फॉरवर्ड ही होगी, आगे की तरफ ही होगी, बैकवर्ड बहुत ही कम होती है, हो सकती है रिवर्स बट बहुत कम, लीस्ट चांसेस हैं।
तो ये हमारे थे कुछ एंजाइम्स की इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स और प्रॉपर्टीज़ कि एंजाइम कैसे वर्क करता है, उसकी मैकेनिज्म हमने समझी। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं। कुछ फैक्टर्स तो ऑलरेडी हमने कवर कर रखे हैं थोड़े थोड़े, जैसे टेम्परेचर, पीएच। अभी हम कुछ और फैक्टर्स को भी डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग विद नंबर वन, दैट इज़ द सब्स्ट्रेट कंसंट्रेशन। सब्स्ट्रेट की अमाउंट कितनी है इस बात पे भी निर्भर करेगा कि हमारे एंजाइम वो कैसे वर्क करता है। एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सब्स्ट्रेट फर्स्टली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, बट व्हेन ऑल द एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम्स आर ऑक्यूपाइड बाय द सब्स्ट्रेट मॉलिक्यूल्स द इंक्रीज इज स्टॉप। मतलब होता क्या है, ये हमारा एंजाइम है, सपोज दिस इज एंजाइम, ठीक है। एंजाइम के पास जहाँ पे सब्स्ट्रेट आके बाइंड करते हैं, सपोज दिस इज द सब्स्ट्रेट, ये येलो कलर का हमारा सब्स्ट्रेट हो गया और रेड कलर का हमारा एंजाइम, रेड कलर जो है वो हमारा एंजाइम हो गया। अब होता क्या है, यहाँ पे जब एंजाइम और सब्स्ट्रेट जब कंबाइन करेंगे तो एंजाइम्स जो होते हैं वो कहाँ कंबाइन, जो सब्स्ट्रेट होता है वो यहाँ कंबाइन कर रहा है, सपोज इस वाले पार्ट में कंबाइन करेगा, तो इस वाले चीज़ का क्या नाम है, इस वाले जो पोर्शन का नाम है वो क्या है, इस पोर्शन को हम बोलेंगे एक्टिव साइट, इट इज़ रिफर्ड एज एक्टिव साइट। सिंपल, आपको ज़्यादा प्रेशर लेना नहीं है, इतना याद रखना है एक्टिव साइट क्या होती है। एंजाइम के ऊपर एक एक्टिव साइट बनी होती है, साइट का मतलब जगह, एक ऐसी जगह जहाँ पे सब्स्ट्रेट कंबाइन हो सकता है आके। ये पूरा का पूरा एंजाइम है, लेकिन क्या सब्स्ट्रेट यहाँ पे कंबाइन हो सकता है, नो। क्या यहाँ पे कंबाइन होगा, यहाँ पे कंबाइन होगा, नो। इसके लिए प्रॉपर एक जगह बनाई है एंजाइम ने अपने ऊपर, उस जगह पे ही आके ये अटैच होगा, उसी जगह को हम बोलते हैं एक्टिव साइट, ओके। तो होता क्या है, जब सब्स्ट्रेट शुरू में प्रेजेंट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा एंजाइम की वजह से, लेकिन बाद में क्या होगा, रेट ऑफ इंक्रीज रुक जाएगा, ठीक है। ये इसको हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं, यहाँ पे ग्राफ बना है, ठीक है। अभी आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है आगे, एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑन द फर्दर इंक्रीज इन द सब्स्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन, दिस इज बिकॉज ऑफ द लिमिटिंग इफेक्ट्स ऑफ द एंजाइम कंसंट्रेशन। सपोज यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे रखी है, जहाँ पे एक्स एक्सिस में सब्स्ट्रेट कंसंट्रेशन है और दूसरी तरफ रेट ऑफ रिएक्शन को हम देख सकते हैं। तो जब सब्स्ट्रेट का लेवल बहुत कम था, ये भी सब्स्ट्रेट बहुत कम है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से इंक्रीज करा, बहुत ही फास्ट इंक्रीज हुआ, लेकिन एक पॉइंट में आने के बाद ये देख सकते हैं, यहाँ पे जब हमने इतना सब्स्ट्रेट बढ़ाया तो इंक्रीज हमको प्रॉपर देखने को मिला, लेकिन सब्स्ट्रेट जैसे जैसे सब्स्ट्रेट का अमाउंट बढ़ता गया, बहुत ज़्यादा सब्स्ट्रेट हमारे पास हो गए, अब रेट ऑफ रिएक्शन में कोई इंक्रीज नहीं होगा, कॉन्स्टेंट आ जाएगा, अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एक तरह का इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। तो ये होता है रिलेशन विद सब्स्ट्रेट। दूसरा है एंजाइम के साथ, एंजाइम के कंसंट्रेशन पे भी इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन कि इंजाइम्स कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वही होगा, पहले शुरू में अगर हम इंजाइम डालेंगे, बहुत कम डाला तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, लेकिन अब बहुत सारे इंजाइम हमने डाल दिए, अब यहाँ पे इंजाइम जाने पे इंजाइम का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो अब ये भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। सेम फिनोमेना यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है, जस्ट लाइक सब्स्ट्रेट। थर्ड फैक्टर जो है, दैट इज़ टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे किस तरह से इफेक्ट करती है, ये वाला पॉइंट देखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर एक एंजाइम्स की जो एक्टिविटी होती है वो प्रॉपर टेम्परेचर पे ही सेट होती है, लेकिन एक ऑप्टिमम की अगर बात करें कि ऑप्टिमम कितना टेम्परेचर हो सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन हो जाए, एंजाइम्स जो हैं वो रिएक्शन को कर पाएँ, तो दैट ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑप्टिमम कितने टेम्परेचर पे एंजाइम अपनी एक्टिविटी शो करते हैं, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। द एंजाइमेटिक रिएक्शन रेट इंक्रीज ट्वाइस फॉर एवरी रेज इन द 10 डिग्री सेंटीग्रेड विद इन द सर्टेन लिमिट। अगर टेम्परेचर हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, डबल हो जाता है, क्यों, बिकॉज एंजाइम करने की एबिलिटी जो है वो दुगनी हो जाती है। रेट जैसे तापमान बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, और देखा गया कि हर 10 डिग्री पे, यानी अगर 0 डिग्री टेम्परेचर था तो अगर आप 10 डिग्री बढ़ा दें, 10 से 20 कर दें, तो हर 10 डिग्री में रेट ऑफ रिएक्शन डबल देखने को मिलता है, कि इसको बोलते हैं Q10 इक्वल्स टू 2। अगर हम बात करें 0 डिग्री की, 0 डिग्री में क्या होगा, एकदम शून्य तापमान अगर होता है, एकदम जीरो में आ गया है, उस टाइम पे जो एंजाइम्स होते हैं वो उनकी एक्टिविटी एकदम निल होगी, यानी एकदम इनएक्टिव होंगे, और जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगता है, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है, नो डाउट, लेकिन कितने लिमिट तक, 55 से 60
डिग्री सेल्सियस तक, यानी अगर इतना टेम्परेचर पहुंच जाता है 55 से 60 डिग्री पे तो इंजाइम की एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। वो कह सकते हैं कि इंजाइम खुद ही नष्ट हो जाएगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि इंजाइम खुद एक प्रोटीन का बना होता है। इंजाइम में दो पार्ट होते हैं, प्रोटीन वाला पार्ट और एक होता है नॉन प्रोटीन वाला पार्ट। प्रोटीन वाले पार्ट को हमने देखा पी यानी एपो, तो यहाँ पे एपो इंजाइम कहलाता है, और नॉन प्रोटीन को बोलते हैं कोफैक्टर। जैसे तापमान अगर 55 से 60 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो ये क्या होगा कि इंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट है वो तो ख़त्म हो जाएगा। अभी हमने देखा कि प्रोटीन कैसे होते हैं, प्रोटीन आर थर्मोलेबाइल, हीट सेंसिटिव होते हैं। हीट सेंसिटिव के कारण ये प्रोटीन वाला पार्ट तो ख़त्म हो गया, डीनेचर हो गया। तो इसलिए यही कारण है कि इतने हाई टेम्परेचर पर तो इंजाइम अपना वर्क नहीं कर पाएगा। तो आपको याद रखना है कि इंजाइम का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। अब नेक्स्ट जो चौथा फैक्टर आता है, दैट इज़ द हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, और सिंपल भाषा में बोलें तो ये पीएच के बारे में बात करें। अब पीएच भी एक ऑप्टिमम लेवल होगी जिस पीएच पे सारे एंजाइम वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली जो पीएच की बात अगर हम करें तो जो न्यूट्रल वाला पीएच है दैट इज़ 7 to 7.5, ये पीएच बेस्ट माना जाता है। एक कह सकते हैं ऑप्टिमम रेंज है पीएच की जब एंजाइम अपना वर्क कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कुछ यहाँ पे कुछ भी एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे हमारे पास, जैसे मैंने बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा होता है, वहाँ पे हमारे स्टमक में HCl का प्रोडक्शन होता है। HCl की वजह से बहुत ज़्यादा जो मीडियम है हमारे स्टमक में वो एसिडिक हो जाता है, लेकिन स्टिल वहाँ पे भी कुछ एंजाइम काम कर पाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है पेप्सिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए इन्वॉल्व होता है। ये क्या करता है, जब HCl बन रहा होता है तब भी अपना काम कर पाता है, क्योंकि इसके अंदर खासियत है कि ये इतने लो पीएच पे, या फिर कह सकते हैं एकदम एसिडिक पीएच पे, 1.5 से 3 का जो बहुत ही एसिडिक पीएच होता है, ये एसिडिक पीएच जल्दी HCl की वजह से हो चुका था, और इस पीएच में भी ये पेप्सिन एंजाइम अच्छे से वर्क कर रहा है। वहीं बात करें दूसरे एंजाइम ट्रिप्सिन की, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो भी डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, और ये देखा गया है कि ट्रिप्सिन जो है बहुत ज़्यादा हाई पीएच का मतलब क्या है, मोर देन 7। जनरली पीएच की रेंज क्या होती है, मोर देन 7 नहीं, यानी अप टू 14 तक के जो हाई पीएच होता है, बेसिक अल्कलीन पीएच, ये वहाँ पे भी हुआ कर सकते हैं। लेकिन ऑप्टिमम अगर आपको याद रखना है, ऑप्टिमम रेंज थी हमारी 7 से 7.5, यानी न्यूट्रल के पास का जो रेंज होती है दैट इज़ ऑप्टिमम। और टेम्परेचर में याद रखना है, टेम्परेचर में 30 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम होता है। नेक्स्ट है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है सिंपल पानी ऐड करना, यानी वाटर को ऐड करना। इन द सीड्स द अमाउंट ऑफ वाटर इज टू लेस, सो नो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़। आप सबको पता है बीज में बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होता, तो उस टाइम पे कोई एंजाइम की एक्टिविटी नहीं होती, बिकॉज मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एंजाइम्स को भी अपनी एक्टिविटी करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। विद इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वाटर एंजाइम्स बिकम एक्टिव एंड स्टार्ट्स सीड स्टार्ट टू जर्नेट। तो जैसे जैसे मॉइस्चर मिल जाएगा एंजाइम अपनी एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो हाइड्रेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा कंसनट्रेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट का कंसनट्रेशन कैसा है, यानी हमने देखा कि एंजाइम और सब्सट्रेट मिलते हैं, और एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ, उसके बाद बना एंजाइम, उसके बाद प्रोटीन अलग हो, प्रोडक्ट अलग हुआ। अब ये हमारा एंड प्रोडक्ट है, इसका कंसंट्रेशन कितना रहेगा इस पे भी निर्भर करता है कि हमारी एंजाइमेटिक एक्टिविटी या मेरी रेट ऑफ रिएक्शन कैसा रहेगा। एंजाइमेटिक रिएक्शंस आर रिवर्सिबल इन नेचर। अभी हमने देखा था कि रिवर्स भी हो सकते हैं, एंड एक्ट एज अ मास एक्शन प्रिंसिपल। देयरफॉर द एक्युमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट रिजल्ट इन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अगर एंड प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, यानी अगर हमारे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही थी, लेकिन प्रोडक्ट बहुत अधिक हो गया, एंड प्रोडक्ट कह सकते हैं, एंड प्रोडक्ट के बढ़ने से रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। पूछ लिया जाता है कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन में एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर लो है तब क्या होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन मतलब प्रोडक्ट अगर हाई है तब रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होगा। तो आपको बताना होगा, एक्सप्लेन करना होगा कि अगर एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन स्टिल कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। वहीं अगर हमारा जो एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा हाई है, हाई कंसंट्रेशन अगर हो जाएगा तो ये रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं होगी, रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो हमारा रिवर्स हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। अब लास्ट जो आता है हमारा, इनहिबिटर्स आते हैं। इनहिबिटर्स मैंने आपको बताया था, एंजाइम को काम करने से जो रोकने वाली चीज़ें होती हैं, इनहिबिट करने वाली, दैट इज़ कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर्स। दो तरह के एंजाइम इनहिबिटर होते हैं, रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल जो आगे वाली प्रोसेस को इनहिबिट करेंगे, और इरिवर्सिबल
ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है। पहले हम बात कर रहे हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब दोनों डायरेक्शन में, आगे भी और पीछे भी। इरिवर्सिबल मतलब एक ही डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन, एक ही दिशा में ही वर्क करेंगे। तो पहले बात करते हैं रिवर्सिबल की। रिवर्सिबल इंपॉर्टेंट है। सच इनहिबिटर्स आर रिमूव बाय डायलिसिस। यानी रिवर्सिबल जो इनहिबिटर्स होते हैं, रिवर्सिबल यानी जो रिवर्स भी कर सकते हैं, आगे भी मूव करेंगे और पीछे भी मूव अपना काम करेंगे, रिवर्स कर सकते हैं, इस तरह के जो इनहिबिटर्स होते हैं इनको हम आसानी से डायलिसिस के थ्रू हटा सकते हैं। डायलिसिस में हम होता क्या है, डायलिसिस में क्या होता है, सिंपली ये हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एंजाइम्स कहाँ काम कर रहे हैं, लिविंग सिस्टम के अंदर, लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट होती है। बहुत ही मशहूर एक लेयर है, दैट इज़ कॉल्ड सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन। ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, ठीक है, हम में, आप में, सब में होती है सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन। तो डायलिसिस में क्या होता है, जो भी वेस्ट होता है उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, तो वो तो बाहर आ जाता है, और जो बड़े बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन, बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल जो हमारे लिए अच्छा होता है, वो हमारे वहीं रह जाएगा। यानी ये सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ये अपने से छोटे साइज़ के पार्टिकल्स को आप तो निकाल देते हैं बाहर, और जो बड़े साइज़ के पार्टिकल हैं वो अंदर ही रह जाते हैं। और ये सब होता है बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, और यहाँ पे बेसिकली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का यूज़ करके जो पार्टिकल्स जो अच्छे नहीं होते, वेस्टफुल पार्टिकल होते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। डायलिसिस को आपने सुना होगा, किडनी के फंक्शनिंग जब ख़राब हो जाए तब यूज़ करते हैं। तो सेम रिवर्सिबल जो इनहिबिटर्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए भी हम डायलिसिस का यूज़ करते हैं। और जो इरिवर्सिबल होते हैं, सच इनहिबिटर्स कैन नॉट बी रिमूव, इनको डायलिसिस से आसानी से रिमूव नहीं कर सकते, बिकॉज दे प्रोबेबली अल्टर और डिस्टर्ब द एक्टिव साइट्स ऑफ इंजन, क्योंकि एकदम इंजन को ख़राब कर चुके होते हैं ऑलमोस्ट, ये इनसे बचना आसान नहीं है, इनको हम रिमूव नहीं कर पाते, लेकिन रिवर्सिबल हम रिमूव कर सकते हैं। इरिवर्सिबल में आपको सिंपल इतना ही याद रखना है। अब देखते हैं जो रिवर्सिबल हैं वो, उसके दो कैटेगरीज हैं, कंप्लीट इनहिबिशन हो जाएगा या फिर नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन, कम्पिटेटिव और नॉन कम्पिटेटिव। कम्पिटेटिव में क्या होगा, कंपटीशन होगा। तो यहाँ पे क्या होते हैं कि जो एंजाइम इनहिबिटर होता है, ये हमारा इनहिबिटर है और ये हमारा एंजाइम है और ये हमारा सबस्ट्रेट है। एंजाइम हम के पास हमेशा क्या होती है, एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट होगी जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करना होता है। लेकिन अचानक से क्या हो गया, कम्पिटेटिव इनहिबिटर आ गए, ये आ गया कम्पिटेटिव इनहिबिटर आ गया इसकी जगह। कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स में क्या होता है कि जो शेप होता है वो, या फिर कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो होता है, बनावट होती है, वो बिल्कुल सेम होती है सबस्ट्रेट की। और बहुत सिंपल सरल भाषा में बोले, सिंपल कह सकते हैं कि जो इंजाइम्स होते हैं, इंजाइम का जो सबस्ट्रेट होता है, वो सबस्ट्रेट की एकदम हमशक्ल या टू कॉपी होता है इनहिबिटर्स। यानी जो इंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं वो बिल्कुल हमशक्ल होते हैं, जुड़वा होता है सबस्ट्रेट का। तो जो इंजाइम होता है, इंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है, वो जज नहीं कर पाता कि उसके संग बाइंड हो कौन रहा है, सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है या फिर इनहिबिटर बाइंड हो रहा है। तो इस तरह के एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम की रोकने वाले जो होते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, मैलोनिक एसिड्स और सक्सेनिक एसिड, ये दिखने में एक जैसे होते हैं, मेलोनिक एसिड और सक्सेनिक एसिड का एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल एक जैसे हैं, इसीलिए ये क्या करते हैं, इसका जो एंजाइम होगा वो बाइंड नहीं कर पाएगा, अपने एग्जैक्ट सब्सट्रेट के संग बाइंड नहीं कर पाएगा, जो दूसरा इनहिबिटर होगा वो यहाँ पे आके कनेक्ट कर जाएगा और फिर रेट ऑफ रिएक्शन जो है इनहिबिट हो जाएगी, रुकी जाएगी। दिस इफेक्ट इज ओवरकम बाई इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ सक्सेनिक एसिड। अगर हम सक्सेनिक एसिड का कंसेंट्रेशन बढ़ा दें, क्योंकि सक्सेनिक एसिड ही हमारा मेन है, अगर हम सब जगह सक्सेनिक एसिड को कंसेंट्रेशन बढ़ा दें, तो हो सकता है कि जो एक्टिव साइट है वहाँ पे सक्सेनिक एसिड ही बाइंड हो। लेकिन अगर सक्सेनिक एसिड का कंसेंट्रेशन कम है और मेलोनिक एसिड का कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो चांसेस हैं कि एक्टिव साइट में मेलोनिक एसिड है वही आके बाइंड हो जाए। तो ये था हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का केस। दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव केस आता है, इसमें क्या होता है कि सच इनहिबिटर्स रिएक्ट विद अदर एंजाइम और एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। यानी ये एंजाइम के संग कंबाइन करेंगे या फिर जो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स तैयार होते हैं वहाँ पे कंबाइन होता है, ये नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप होता है। इसमें एग्जांपल आता है साइनाइड्स और एजाइड्स का। नाउ हियर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बाय दिस फिगर। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले हम देखते हैं नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये हमारा ब्लू कलर जो है एंजाइम है, और यहाँ पे एक जगह मैंने आपको बताई थी, एक साइट होती है, जगह बनी होती है जो सब्सट्रेट के संग बाइंड होगी, उस जगह का नाम है एक्टिव साइट।
ये सबस्ट्रेट जो होता है, ये इसका जो शेप होता है बिल्कुल एग्जैक्ट उसके शेप की तरह होता है ताकि वो एकदम फंस जाए उसके अंदर। तो यहाँ से ये ट्राइंगल जैसा बना है नॉच, ठीक है, ये कुछ ट्राइंगल जैसी नॉच बनी है यहाँ पे, इस ट्राइंगल के अंदर ही उसको फिट होना होगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, ये इसको हम बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और बाद में हमारा एंजाइम अलग हो गया और बाद में सबस्ट्रेट तो रहता नहीं है, सबस्ट्रेट का क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाते, तो हमारे ग्रीन ग्रीन कलर के प्रोडक्ट तैयार हो गए। ये होता है नॉर्मल रिएक्शन में, जो नॉर्मल रिएक्शन होती है एंजाइम के साथ। लेकिन कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव केस में क्या हो जाता है, अगर कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की बात करें, कम्पिटिटिव का मतलब वही जुड़वा, याद रखना है, यहाँ पे एक सबस्ट्रेट का हमशक्ल आ गया है जिसको बोलेंगे इनहिबिटर। तो होता क्या है, ये हमारा अगेन ब्लू कलर का एंजाइम है। अब यहाँ पर एंजाइम ने अपने आप पास जो साइट बनाई है एक्टिव साइट, वो ट्राइंगल शेप में कट है, और जो हमारा सबस्ट्रेट था ग्रीन कलर का, इसको यहाँ पे जुड़ना था क्योंकि ये भी ट्राइंगल शेप का कट है, इसी की जगह थी, लेकिन इसका एक हमशक्ल आया, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आया, जो इसका बिल्कुल हमशक्ल तो नहीं था, लेकिन कह सकते हैं कि जो पार्ट एक्टिव साइट में जुड़ने वाला था वो पार्ट, उतना हिस्सा, उतना स्ट्रक्चर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम था एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जैसा। यानी अगर सबस्ट्रेट का कट यहाँ पे ट्राइंगल जैसा है तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आएगा। अब आप देख सकते हैं पर्पल कलर का जो है ना, ये पर्पल कलर है हमारा एंजाइम इनहिबिटर, इसका नीचे का जो पोर्शन है ये ट्राइंगल शेप में आप देख रहे हैं, लेकिन ऊपर से थोड़ा अलग है। तो एंजाइम के संग ये कंबाइन हो जाता है और एंजाइम को पता ही नहीं चलता किसके संग सबस्ट्रेट बाइंड है या कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और बाद में आगे चल के जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनहिबिट हो जाती है। तो ये काम होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का। एग्जाम्पल हमने देख रहा था यहाँ पे मैलोनिक एसिड और सक्सेनिक एसिड का। नॉन कम्पिटिटिव की बात करते हैं, नॉन कम्पिटिटिव में क्या होता है कि जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं सबस्ट्रेट के संग जो एक्टिव साइट होती है वहाँ पे तो कंबाइन नहीं होते। जैसे ये हमारा ब्लू कलर है एंजाइम और ग्रीन कलर है हमारा सबस्ट्रेट, यहाँ पे सबस्ट्रेट प्रॉपरली एंजाइम के संग तो बाइंड हो गया, लेकिन अब ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या कर रहा है, इसको चांस तो नहीं मिला कि एक्टिव साइट के संग बाइंड हो, लेकिन ये क्या करता है एंजाइम के ही दूसरे पार्ट में जाके कंबाइन हो जाता है। तो येलो कलर जो है हमारे नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, इस तरह से एंजाइम के संग बंध जाता है और स्टिल एंजाइम के संग कंबाइन होने के बाद ये रिएक्शन के रेट को अल्टर कर देता है। मीन्स सबस्ट्रेट कैन बाइंड बट रिएक्शन इज ब्लॉक, रिएक्शन जो होगी ब्लॉक हो गई, रिएक्शन क्रॉस का मतलब यही है ब्लॉक हो गई। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कम्पिटिटिव इनहिबिटर और नॉन कम्पिटिटिव का यही डिफरेंस है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट होता है उसको मौका मिलता है बाइंड होने का। कम्पिटिटिव में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव में सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो रहा एक्टिव साइट पे, लेकिन इनका जो नॉन कॉम्पिटिटिव होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव में हमारा जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट में बाइंड हो रहा है। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस यहाँ पे ये है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डायरेक्टली खुद एक्टिव साइट में बाइंड हो जा रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा, लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या हो रहा है क्योंकि सबस्ट्रेट यहाँ पे ऑलरेडी एक्टिव साइट में बाइंड हो जा रहा है, अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से करेंगे एंजाइम की दूसरे साइड पे बाइंड होकर रेट ऑफ रिएक्शन को इनहिबिट करेंगे। ये दोनों में थोड़ा बेसिक डिफरेंस होता है। इसके बाद हम समझते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिशन और एटलोस्टेरिक एक्टिवेशन क्या होता है। देखो एंजाइम है हमारा ये ग्रे कलर का, फिगर से समझते हैं, ये हमारा ग्रे कलर का जो है ये एंजाइम है, ये हमारा एंजाइम हो गया। और मैंने आपको बताया था एंजाइम के ऊपर एक एक्टिव साइट होती है, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट में कौन बाइंड करेगा, हमारा सबस्ट्रेट बाइंड करता है, ये हमारा सब ग्रीन कलर का है हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक है। और दूसरा है एंजाइम के ऊपर एक और जगह बनी होती है, एंजाइम के पास दो जगह है, एक एक्टिव साइट है जो सबस्ट्रेट को बाइंड करने को मौका देगी और दूसरी साइट है जिसको बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। यानी कह सकते हैं सिंपल शब्द में एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट के अलावा जितना भी स्पेस बचता है वहाँ पे कुछ कुछ जगह में एलोस्टेरिक साइट प्रेजेंट होती है और ये एलोस्टेरिक साइट में इनहिबिटर्स बाइंड होते हैं, ठीक है। जब एलोस्टेरिक साइट से सबस्ट्रेट कंबाइन हो जाएगा और दूसरे में एलोस्टेरिक साइट से इनहिबिटर कंबाइन होगा तो यहाँ पे हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको मतलब जो अल्टर्ड होगी, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगी, वो होगी ड्यू टू अल्टर्ड एक्टिव साइट, यानी एक्टिव साइट में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। सिंपल समझते हैं कि जो हमारा जो एलोस्टेरिक साइट में इनहिबिटर कंबाइन हो जाता है, ये इनहिबिटर क्या करेगा एंजाइम के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज कर देगा। अब देखो एंजाइम की एक्टिव साइट पहले इस तरह से थी, चांद जैसा कट है, लेकिन जब एलोस्टेरिक साइट में ये ऑरेंज कलर का इनहिबिटर कंबाइन हो गया, अब क्या होगा इनहिबिटर क्या करेगा एंजाइम के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करेगा, जिसके कारण उसका जो एक्टिव साइट का जो अभी आधा चांद जैसा कट था लेकिन अब ये इस तरह से हो गया है। अब क्योंकि हमारा सबस्ट्रेट भी इसी शेप का था, अब यहाँ पे तो कंबाइन हो जा रहा था, लेकिन जैसे ही इनहिबिटर्स ने उसको जोड़ लिया,
जैसे ही एंजाइम के ऊपर इनहिबिटर आ जाता है एलोस्टेरिक साइट से, अब एंजाइम की जो बनावट है वो बदल गई, एंजाइम की बनावट बदल गई, लेकिन हमारा जो सबस्ट्रेट था वो तो इसी शेप का था, अब वो इसी शेप में है तो फिट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से इनहिबिटर का काम हो रहा है यहाँ पे। दूसरा हमारा होता है एलोस्टेरिक एक्टिवेशन, तो ये हमारा एलोस्टेरिक इनहिबिशन होता। अब दूसरा है हमारा एलोस्टेरिक एक्टिवेशन, एलोस्टेरिक एक्टिवेशन में भी हमारा वही है, ये ग्रे कलर का हमारा एंजाइम हो गया। और एंजाइम के पास क्या है, एंजाइम के पास एक होता है एक्टिव साइट और एक होती है एलोस्टेरिक साइट। तो यहाँ पे क्या होता है अल्टर्ड एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट है जो कि अब चेंज हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे सबस्ट्रेट कंबाइन करेगा और ये हमारा होता है एक्टिवेटर, जो एक्टिव साइट्स दूसरी एलोस्टेरिक साइट कह सकते हैं, यहाँ पे बाइंड होगा एक्टिवेटर। एक्टिवेटर जब एंजाइम के संग कंबाइन हो जाएगा तो एंजाइम की जो स्ट्रक्चर था, अभी हमारी एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसा था, लेकिन एंजाइम हमारा ऐसा था, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा था कुछ, लेकिन जैसे ही एक्टिवेटर बाइंड हो गया, एक्टिवेटर क्या चाहेगा, एक्टिवेटर का मतलब है कि अच्छा काम हो, अच्छा काम का मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़ जाएं। तो जैसे ही एक्टिवेटर ने सबस्ट्रेट एक्टिवेटर जो है एंजाइम के संग, ये ग्रे हमारा एंजाइम है, तो जैसे ही एक्टिवेटर एंजाइम के संग कंबाइन हो गया, तो अब ये जो एक्टिव साइट का जो बनावट थी पहले ऐसे थी, अब वो ऐसी हो जाएगी, आधा चांद जैसा बन गया, और ये हमारा सबस्ट्रेट भी आधा चांद है, दोनों में यहाँ पे मिलन हो गया, तो ये हमारा एलोस्टेरिक एक्टिवेशन कहलाता है। तो दो चीज़ होती हैं, एलोस्टेरिक इनहिबिशन और एलोस्टेरिक एक्टिवेशन। होप सो ये जो चैप्टर है पूरा एंजाइम आपको क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि एंजाइम क्या होता है, किसने शब्द दिया था, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ मैकेनिज्म, और उसके जो 6 हमने ग्रुप्स पढ़े थे वो इंपॉर्टेंट, और फैक्टर्स क्या होते हैं, ये यही है। इस पूरे चैप्टर में बस यही था इंपॉर्टेंट। तो होप सो आपको वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस कम्प्लीट वीडियो।